यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ही बाजार की तरह आइसक्रीम बेस। उसके लिए हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है और ये फुल फैट मिल्क है। आप इसकी जगह कोई भी ब्रांड का दूध ले सकते हैं। हमने अमूल का लिया है गोल्ड। साथ ही हमने यहाँ पर 8 टेबल स्पून चीनी ली है यानी कि शुगर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पर GMS पाउडर लिया है और 1/8 चम्मच हमने यहाँ पर CMC पाउडर लिया। ये 1/8 टीस्पून है, मतलब बहुत थोड़ा लेना है, इसे ज़रा भी आप ज़्यादा नहीं लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूध को निकाल लेते हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल लेते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 कप। आप आधा लीटर दूध के साथ तकरीबन 2 लीटर आइसक्रीम बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं ये चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और चीनी बढ़ा सकते हैं। इसे हम गर्म होने के लिए रख देते हैं बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे। हमने चीनी को मेल्ट कर लेना है, सिर्फ इतना ही उबालना है। दूध हमने गर्म होने के लिए रख दिया। वो दूध गर्म होता है तब तक हम क्या करते हैं, जो दूध हमने इसमें निकाला है अलग से उसमें हम ये पाउडर डाल देंगे दोनों। साथ में हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है ये। इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी चीनी नहीं है। अब हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा था इसे डाल देंगे, लेकिन डालने से पहले एक बार आप मिक्स ज़रूर कर लें और इसे एक हाथ से डालें और दूसरे हाथ से चलाते रहें। और इसे लगातार चलाते हुए हम तकरीबन 1 से 2 उबाल आने तक इसे पकाएंगे। तब तक ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। आप इसे लगातार चलाएं, नहीं तो ये तले में जलने लगेगा। जब ये जम जाता है तो जल जाता है बहुत जल्दी। और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो पे रखना है आपने, साइड के किनारे वगैरह सबसे अच्छे से चलाते रहें आप। तो देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, ये देखिए इस तरह हो गया है। लेकिन हमें और गाढ़ा चाहिए। इसे हम लगातार चलाते रहे हैं और चलाते ही इसे हमें कुक करना है। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होना चाहिए। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा थिक हमने नहीं करना है। बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम अभी भी लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें मलाई नहीं जमे। यदि इसमें मलाई जम जाएगी तो हमारी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे हल्का सा ठंडा होने तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया। और ये देखिए इसकी थिकनेस काफ़ी बढ़ चुकी है, ये देखिए ऐसा ही चाहिए हमें। अब हम इसे एक कंटेनर में डाल देते हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। हम ओवर नाइट रख रहे हैं, यदि आप दिन में बना रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटे ज़रूर रखें। तो अब हम इसे डीप फ्रीज में रख देते हैं। तो ये हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, हमने इसे ओवर नाइट छोड़ दिया था। अब हम इसे अच्छे से बीट करते हैं और इसमें डालेंगे हम, ये फ्रेश क्रीम है, हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था 2 घंटे के लिए। पहले से ये फ्रीज में रखा होता, उसके बाद 2 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। इसके साथ जाएगा इसमें वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको कट करेंगे।
तो ये देखिए हमारा ये बेस बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, हमने इसे फ्रीजर में रखा था ओवरनाइट। अब इसमें जाएगा, आप चाहें तो ये नॉन डेयरी क्रीम डाल सकते हैं 1 कप, या आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, और साथ ही में जाएगा वनीला एसेंस 1 टीस्पून। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको कट करेंगे और इसे अच्छे से व्हिप करते हैं। हम नाइफ की मदद से इसे इस तरह थोड़ा सा प्रेशर देते हुए कट करें। इसे बहुत देर के लिए आप बाहर निकाल के नहीं रखें, इसे हमें वापस से मेल्ट नहीं होने देना है, पिघलने नहीं देना है। थोड़ी सी हार्ड होगी जब भी हमारी आइसक्रीम अच्छी बनेगी। अब हम इसे एक बड़ी सी पतीली में निकाल लेते हैं। ऐसे में ही हम इस मशीन चलाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है ये थोड़ा, लेकिन ऐसे में ही आपको इसे चलाना है। तो ये देखिए अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, लेकिन ये डबल हो चुकी है। अब हम इसमें क्रीम डाल देते हैं। क्रीम हमने जो फ्रीज़र में रख दी थी काफ़ी हार्ड हो चुकी है, हमें ऐसी ही चाहिए। तो डाल देते हैं हम इसमें, थोड़ी थोड़ी करके डाल रहे हैं, 2 बार में डाल देंगे। देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ने लगा है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप। अब हम इसमें डाल देते हैं वेनिला एसेंस। मिक्स करेंगे तो इसका देखिए वॉल्यूम पूरा फुल हो चुका है, हमारी तपेली फुल हो चुकी है। ये तकरीबन 2 लीटर के करीब बनी है। तो अब हम इसे एक दूसरे एयर टाइट कंटेनर में निकालते हैं। ये देखिए ये आइसक्रीम की एक ही क्वालिटी है कि ये जल्दी मेल्ट नहीं होती। ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है। ये देखिए ये हमने एयर टाइट कंटेनर में डाल ली, बाकी की हमने बचा ली है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। तो ये जो आइसक्रीम हमने बचा के रखी इसे हम इसमें इस मोल्ड में डालेंगे, कुल्फी मोल्ड में। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये चॉकलेट मेल्ट करके रखी है, इसको इसमें लगा देते हैं। हम यहाँ पर चोकोबार आइसक्रीम बना रहे हैं, ये इस तरह से हम इसमें डालेंगे। पूरा इसको कवर कर देंगे हम सभी को। ये सबसे आसान वाला प्रोसेस है, हम इसे आसानी से इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसे घुमा घुमा के चारों तरफ इसे कवर कर लेंगे इस तरह। चॉकलेट मेल्ट है तो चारों तरफ फैल जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरे में चॉकलेट लगा दी और इसे मैंने उल्टा करके रख दिया ताकि एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है वो निकल जाए। तो ये देखिए हमने इसे चॉकलेट से कवर कर दिया। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया, हमारी ये चॉकलेट सेट हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने आइसक्रीम बचा लिया था इसे पोर कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसे पोर कर दिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से, ये इस तरह। तो ये कवर हो गया। अब क्या करेंगे हम एक नाइफ की मदद से इस तरह से इसमें ऐसे बनाएंगे हम ये होल। ये देखिए इस तरह हमने सभी भी बना लिए। अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम स्टिक्स। ये देखिए इसी तरह हम सभी लगा देंगे इसमें। ये सब में लग चुकी है। अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं तकरीबन
6 से 8 घंटे के लिए। तो ये देखिए हमने इसे फ्रीजर में से निकाल लिया है। अब हम देखते हैं हमारी आइसक्रीम, देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सी बनकर के तैयार हुई है। तो ये देखिए हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया सी हमारी आइसक्रीम बनकर के तैयार है। तो आप भी बनाएं, ज़रूर बनाएं, इसी तरीके से बनाएं। तो ये हमने इसे फ्रीज़र में से निकाल लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एल्यूमिनियम की फॉइल हटा देंगे। ये देखिए अब हम इसे गर्म पानी में थोड़ा सा डिप करते हैं। ये देखिए इस तरह हम इसको थोड़ा देर से करेंगे, कुछ सेकंड के लिए। और अब हम इसे साइड में करते हैं और इसमें से निकालते हैं हम आइसक्रीम हमारी। ये बहुत आसानी से निकल जाती है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से बनकर के तैयार है। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा और पानी में रखते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया सी चोकोबार बनकर के तैयार है और हमारी वेनिला आइसक्रीम भी बनकर के तैयार है। तो आप देख सकते हैं हमने एक बेस बनाया था, उससे हमारी दो तरह की आइसक्रीम बन गई है। ये सादी है वेनिला आइसक्रीम और ये चोकोबार। आप देख सकते हैं लुक कितना बढ़िया आया है। बहुत ही आसानी से बन सकती है आपके घर में भी। तो आप भी बनाएं, ज़रूर बनाएं, इसी तरीके से बनाएं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। आप दोनों आइसक्रीम को देखिए, बिल्कुल मार्केट के जैसा लुक आया है। देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है।